सो यस, अभी यहाँ पे जो चिकन के पीसेस रखे हैं इसमें मैं, ये हो गया चिकन रेडी, ये है चिकन राइस विथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसका ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कुक करने वाली हूँ चिकन। अभी मैं ऑर्डर करने वाली हूँ फ्रेश टू होम से। पर से देखते हैं ना, एक घंटे में पता है कि डिलीवरी आने वाला, तो लास्ट टाइम मैंने जब मंगाया था तो इतना ध्यान नहीं दिया था, तो देखते हैं एक घंटे में ऑर्डर आता भी कि नहीं आता। बाकी तो चिकन, मुझे तो चिकन खाना है, पहली बार चिकन बनेगा तो देखते हैं चिकन कैसा बनाती है। तो लेट्स सी, ऑर्डर करते हैं और फिर बनाते हैं। सो आज हम लोग ये ऑर्डर कर रहे हैं फ्रेश टू होम के ऐप से चिकन के लिए, जो कि 159 में 480 ग्राम से 500 ग्राम तक के बीच का, जिसमें 10 से 13 पीस आएंगे। तो हमने ऑर्डर किया है ये वाला, टोटल अमाउंट इसका 193 है। ऑर्डर बुक किया है 10:12 पे, तो देखते हैं कि इनका टाइम, एक घंटा बोला है डिलीवरी का, तो एक घंटे में आता है कि एक घंटे से ज्यादा लेता है टाइम। सो अभी बेल बजा है और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 11 बज रहे हैं और ऑर्डर मैंने किया था 10:12 पे, तो ये तो टाइम से पहले आ गया 12 मिनट। फ्रेश टू होम का ये ना। तो मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर रिसीव कर लिया है, तो देखने में तो ये अच्छा ही लग रहा है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया और देखने में तो ये काफी फ्रेश लग रहा है, देखने में भी क्लीन है। टोटल 11 पीसेस हैं ये। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, तो अभी मैंने चिकन को यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा वॉश कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे अभी कुछ प्याज ले लिया, और प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही लिए हैं, क्योंकि प्याज अगर चिकन में ज़्यादा हो तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और अब मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन और अदरक के पीसेस लिए हैं, और अब मैं इसको मिक्सी में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि थोड़ा, अगर ये इसका पेस्ट अगर थोड़ा गीला गीला रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक साइड एक पैन में मैंने कुछ काजू को रोस्ट कर लिया है, और इनको मैं एक बोल में निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं इसको डालूंगी अदरक और लहसुन के पेस्ट में, तो साथ में इन तीनों को ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी में अच्छे से। एंड यस, यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से पेस्ट भी हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है, और अब मैं इसको एक बोल में निकाल देती हूँ। तो अब जो मैंने यहाँ पे प्याज रखे थे, इनको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी, और स्लाइसेस में कट करूँगी तो ये बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और चिकन के साथ अच्छे तरीके से पक भी जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा, मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ हरी मिर्च, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2 बड़े टमाटर, 2 छोटे टमाटर, और अब मैं इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा टमाटर का पेस्ट भी रेडी है। यहाँ पे अभी इन चिकन के पीसेस में छोटे छोटे कट लगाऊंगी, क्योंकि ये कट मैं इसमें इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो मैं हल्दी और नमक इसमें मिक्स करूँगी तो वो इसके अंदर पूरा अच्छे से चला जाए। और अब मैंने इसको यहाँ पे एक बर्तन में ले लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक मिला लिया है। अब मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। पूरा अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसमें चिकन फ्राई करने के लिए डालूंगी। यहाँ पे अभी मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। 10 सेकंड के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, ये है लाल मिर्च, ये है गरम मसाला, ये है जीरा पाउडर, ये है धनिया पाउडर, और ये है चिकन मसाला। मसाले की क्वांटिटी मैंने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ही लिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। अब मैं इनको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स मैं इसलिए कर रही हूँ, ये ऐसे लगते हैं जैसे सिलबट्टे में पीसे हुए मसाले हों, इसलिए ये मैं इस पानी में इनको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से बाद में फूल जाएंगे। अभी मैंने इनको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इनको रख देती हूँ साइड में, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे अभी पूरा चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, और एक मैं पैन में इसको निकाल देती हूँ। मसाले सारे रेडी हो चुके हैं, ये है प्याज, अदरक, काजू और लहसुन का पेस्ट, ये है टमाटर का पेस्ट, ये सारे हैं खड़े मसाले, और 2 हरी मिर्च भी साथ में रखी है, ये है फ्राइड चिकन, और ये है मसाले। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे खड़े मसाले यहाँ पे डाल दिए हैं, और अब मैं इस पर डाल देती हूँ प्याज। प्याज भी पूरा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है, और अच्छे तरीके से पक भी चुका है। अब डालूंगी मैं इसमें काजू, अदरक और लहसुन का पेस्ट। 10 सेकंड के लिए इसको मैं ढक देती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो फ्राई किया हुआ चिकन।
इसको भी पूरा अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 मिनट बाद ये पूरा अच्छे तरीके से पक चुका है। यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा है इसको मैं अब चिकन में डाल देती हूँ और अब टमाटर को भी इसमें पूरी अच्छे तरीके से पूरा मिक्स कर लेती हूँ और टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे तरीके से पकने देती हूँ क्योंकि मैं एक एक मसाले को अच्छे तरीके से पका रही हूँ। तो अभी 2 मिनट बाद टमाटर भी चिकन के साथ अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने मसाले बनाए थे और अब इन मसालों को भी मैं अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेती हूँ। और अभी मैं इसमें थोड़ा डालूँगी नमक, 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक को भी पूरा मिक्स कर लेती हूँ। एक साइड पक रहा है मेरा चिकन और दूसरी साइड मैंने गैस में रख दिया गर्म पानी बॉयल होने के लिए। चिकन भी पूरा अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी मलाई। मलाई को भी पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मलाई डालने के बाद मैंने 2 मिनट तक इसको पका लिया है और अब ये इसको देख के लग रहा है कि पूरा अच्छे तरीके से इसमें सारे मसाले पक चुके हैं। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने पानी को बॉयल किया है, ये इसमें डाल देती हूँ। तो पानी डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट इसको पका लिया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसा लग रहा है कि पक चुका है। और अब मैं इसको थोड़ा राइस के साथ सर्व करती हूँ। तो अभी ये हो चुका है मेरा चिकन रेडी। ये है चिकन और ये है राइस विद सैलड और ये खा के बताएंगे कैसा बना है। एकदम मज़ा आ गया इसको खा के। नज़दीक से लग रहा है पूरा अच्छे तरीके से कि पूरा पक चुका है चिकन अच्छे से। पूजा को खिला के उसको पूछूंगा कि आप उसको कैसा लगा उसका बनाया हुआ। आप इन्होंने मुझे खिलाया तो ये सच में बहुत टेस्टी हो रहा है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताना कमेंट में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, टेक केयर।